हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। यह सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। आज हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का, गुड पेट क्वालिटी का, डबल कोट का जर्मन शेफर्ड का मेल है। अभी ये शेडिंग कर रहा है तो फर उतरे हुए हैं। बाल इसके अभी भी दो दो ढाई ढाई इंच के हैं, इससे और ज़्यादा बड़े होंगे। अभी ये मीडियम कोट में दिख रहा है बच्चा, बट ये डबल कोट का बच्चा है। एक सबसे अच्छा, बेहतर, अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड जब भी आप लेने जाएं तो आप तीन मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला, कान लंबे हो। अब लंबे कान आपको कभी भी एक महीने, 25 दिन, 20 दिन के बच्चे में नहीं दिखेंगे, कम से कम 40-45 दिन के बच्चे में दिखेंगे। ये बच्चा लगभग 45 डेज का हो गया है, इसलिए इसके कानों की आप लंबाई आराम से देख सकते हैं। इधर बैठो, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये है देखिए, एकदम घोड़ी की तरह करीब करीब कान इसके खड़े होंगे। जब होंगे एक कान खड़े होके ऊपर रह गया है, वो भी खड़ा हो जाएगा। तो जर्मन शेफर्ड के जो कान खड़े होने की उम्र होती है ना गाइस, वो दो ढाई महीने से लेके कभी 3 महीना, 4 महीना, कभी कभी तो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में भी जाके खड़े होते हैं। तो एक बात ये हो गई। दूसरा, एंगुलेशन देखा जाता है। इस बच्चे का एंगुलेशन बहुत ही शानदार, अभी हमने ना छुआ हुआ है ना पकड़ा है। आप इसका एंगुलेशन देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे एक बार हो जाओ बेटा, सर ऊपर, आप देखिए प्रॉपर ये जो पॉस्चर है। टेल कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए गाइस। टेल अगर रिंग है तो वो क्रॉस ब्रीड है, वो प्योर नहीं है। टेल इसके देखिए बिल्कुल नीचे है। जर्मन शेफर्ड की दुम बिल्कुल स्ट्रेट नीचे रहती है। हाँ, अगर हल्का सा ऐसे है तो इट्स फाइन, ओके, इट डजंट मीन कि वो क्रॉस ब्रीड है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऐसे हो सकता है, यहाँ तक आके ऐसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे जाके नीचे हो जाता है। दूसरा, जर्मन शेफर्ड में एक एंगुलेशन होता है, एक नॉन एंगुलेशन होता है। एंगुलेशन क्या होता है? पीछे के पैर झुके हुए, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, पीछे के पैर थोड़े छोटे हैं और घुमावदार हैं, आगे का स्ट्रेट है, लंबा है। तो ये पता चल रहा है कि ये एंगुलेशन वाला है। स्ट्रेट वाले भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि जिसमें एंगुलेशन है वही प्योर जर्मन है, नहीं, स्ट्रेट जर्मन शेफर्ड भी जर्मन शेफर्ड ही होते हैं, प्योर होते हैं। तो अभी हमारे पास इसमें एक मेल है, दो फीमेल है ऐसे पप्स में। तो ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बच्चा, काफ़ी नॉमिनल अच्छे प्राइस पे आया हुआ है। तो 15,000 रुपये का मेल है और 12-12,000 रुपये की फ़ीमेल है। दो फीमेल हमारे पास है, एक मेल हमारे पास है, और ये छुटका 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 बच्चा हमारे पास है। क्या हुआ, तो हमको डर रहते हैं, अब नहीं ना डर लग रहा है? तो हमेशा मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत डेलिकेटली हैंडल्स करें, बहुत डेलिकेटली हैंडल करें अपने डॉग्स को। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, और एज़ यू ऑल नो कि हमारी जो भी बातें हैं या हमारी जो भी वीडियोस हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होती। जब जो बच्चा आया, जो मर्ज़ी हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस में और वेरिएंट्स चाहिए और वैरायटी चाहिए, जो कि मैं रखता हूँ ताकि आप बोर ना हो पाए, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें कॉल करें और हमें बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं सौरभ डॉग चैनल के चैनल पे, है ना, है ना। ओए बाप रे, कितना बड़ा जमाई मिल रहा है। इस बच्चे को जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिए। उतो उतो, बैठो बैठो, अच्छे बैठो, सीटी बजाइए पीछे से। ये तो बहुत बढ़िया, जर्मन शेफर्ड सिक्योरिटी गार्डिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके बहुत वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, आपसे प्यार करने वाले होते हैं। और जर्मन शेफर्ड की एक सबसे बड़ी खासियत, आपने सुना होगा डॉग्स में सिक्स सेंस होता है, बिल्कुल, सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है, आप गूगल पे भी पढ़ेंगे, दे कैन फील ईविल स्पिरिट्स। ये दुष्ट आत्माओं को या काली शक्तियों को या गलत चीज़ों को भाप लेते हैं, जान लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, और दुर्भाग्यवश उन चीज़ों के सबसे पहले शिकार भी यही होते हैं। तो एक स्टोरी है, अभी हम कुछ दिन बाद आपको स्टोरी भी शेयर करेंगे।
हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जर्मन शेफर्ड ने अपने मालिक की रक्षा की। और बहुत जल्दी हम एक और नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं, सौरभ डॉग वर्ल्ड स्टोरीज। आपको मेरे पर्सनल पेट्स की सारी स्टोरीज मिलेगी उस पर कि हमने कैसे उसको बड़ा किया, क्या क्या खिलाया, क्या क्या एक्टिविटी थी। और कुछ ऐसे पेट्स रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत पास, बहुत खास रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी कहानी है कि अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं मेरी लाइफ के, डॉली, रोजी, रोली, बुलेट, निंजा, डॉरला एंड डॉली। ये 7-8 कुछ ऐसे डॉग्स मेरे रहे हैं जो अब ऊपर वाले के पास जा चुके हैं, मेरे पास नहीं है, बट आपको बहुत मज़ा आएगा वो सुन के। और उनका डेडिकेशन मेरे लिए, उनका प्यार मेरे लिए, उनका बलिदान मेरे लिए, मैं बताऊंगा। 7 डॉग्स में तो मेरी कोई गलती नहीं थी, वो अपने समय से चले गए। 1 रोज़ी थी, वो मेरी लापरवाही थी, मैं ध्यान नहीं दे पाया तो लेट हो गया था उसको, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग को अगर हमारे ऐसे वीडियोस देखते हैं, स्टोरीज अच्छी लगती है, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से हमें व्हाट्सएप पे बस STORY स्टोरी एक लिख के व्हाट्सएप करें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे कितने व्यूवर्स को हमारी स्टोरीज देखने में इंटरेस्ट है। और जब आप उन स्टोरीज को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको मन करे। हमने एक बहुत ही लवेबल स्टोरी शेयर किया था भल्लाल का, अमेरिकन बुली का एक पपी था जो नहीं रहा था, उसके ओनर ने एक लव लेटर लिखा था